चुनाव का बिगुल बज चुका है और नामांकन पत्रों की जो वापसी होनी थी वो वापसी हो गई और लगभग तस्वीर संगरिया की चुनाव की क्लियर हो गई। और कांग्रेस की ओर से एक लीडरशिप शबनम जी की के अंतर्गत ये सारा कार्य चल रहा है और आज सुखबीर सिंह सिद्धू जो वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके कार्यालय का आज उद्घाटन अवसर है और आज एक वार्ता का भी एक अच्छा अवसर है, तो इनसे जानते हैं कि इस चुनाव में क्या मुद्दे आप रेखांकित कर रहे हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं। आज वार्ड नंबर 8 से सुखबीर सिंह सिद्धू के कार्यालय का उद्घाटन हुआ और कांग्रेस की तरफ से 18 कैंडिडेट उतारे गए हैं। संगरिया शहर के अंदर बहुत अच्छा माहौल है कांग्रेस का और हमें पूरा विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जीत के आएंगे। कांग्रेस के पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके चुनाव लड़ना चाह रही है, संगरिया के विकास का, बिजली, पानी, आवारा पशु, सड़क, नालियां, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी एक बात है वो है भ्रष्टाचार मुक्त संगरिया को करना। और भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं है और भाजपा चुनाव लड़ने से भाग रही है। उनके सिर्फ 3 सिंबल यहाँ दिए गए हैं और उनके भाजपा के खिलाफ लोग काफ़ी बोल रहे हैं। जो किसान आंदोलन है उसका भी खूब असर जनता के अंदर है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये इन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे पंचायत में बहुत अच्छा कांग्रेस को बहुमत मिला, उसके बाद में जैसे टिकट वितरण हुआ तो टिकट वितरण में भी कांग्रेस के पक्ष में चीज़ें दिखाई दे रही है। किस तरीके से जो बीजेपी के लोग हैं खुद टिकट से एक दूर हो रहे हैं और कांग्रेस अपेक्षाकृत शहरी क्षेत्र में कांग्रेस की टिकट कम लोग मांगते हैं पिछले चुनाव में जैसा देखा गया है, और अब की बार कांग्रेस समर्थित लोग और कांग्रेस की टिकटें अच्छी बढ़ी है। एक लगातार उत्साह का माहौल दिख रहा है और किसान आंदोलन उसमें एक प्रभाव उसका भी दिखाई दे रहा है। एक अच्छे बोर्ड बनने की ओर हम आप अग्रसर हैं। तो जो एक कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि जो वो अपनी ताकत को एक में कुछ बिखराव आ जाता है, उसके निवारण के लिए आपके कोई विशेष प्रयास या किस तरीके की रणनीतियों में परिवर्तन, क्योंकि ये षड्यंत्र एक राजनीति में षड्यंत्र बराबर चलते रहते हैं, जो ताकतवर होता है उसको हराने के लिए दूसरे लोग भी एकजुट हो जाते हैं। आपके द्वारा कोई विशेष प्रयास और किस तरीके की रणनीतियाँ रहेंगी? पंचायती राज के अंदर भी लोगों ने समर्थन में कोई कमी नहीं रखी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत भारी समर्थन के साथ कांग्रेस में विश्वास किया और नगर पालिका के अंदर भी हमें पूरा विश्वास है कि लोगों में बहुत उत्साह है कांग्रेस का वोट बनाने के लिए और लोग मन बना चुके हैं। और ऐसा कहीं भी हमें नहीं लग रहा कि कांग्रेस का वोट बनने से कोई उसे रोक सकेगा। तो हम लोग पूरे विश्वास के साथ अपनी जो मेहनत है उसे कर रहे हैं। दूसरा, जो आपने कहा कि बिखराव की बात है, तो कहीं भी ऐसी कोई नगर पालिका के अंदर बिखराव की बात, आप एक सचेत हैं अभी हर तरीके से, कोई ऐसी हमें कहीं नजर नहीं आ रही है कोई भी चीज। आप एक प्रभावी नेतृत्व है यहाँ के और आपसे आशाएं भी बहुत है और राज कांग्रेस का राज है, कांग्रेस की सरकार है, तो कुछ विशेष आपके नेतृत्व में बोर्ड बने, आपसे जुड़ा लोग चेयरमैन बने, तो शहर के लिए कुछ विशेष कुछ होने वाला हो तो आप? लोग मन बना चुके हैं कि कड़ी से कड़ी जोड़कर सरकार के साथ का चेयरमैन बनाएंगे, तभी संगरिया के अंदर विकास होगा। संगरिया के विकास में जो भी चीज़ें होंगी उनको करने के लिए हम प्रतिबद्ध, उसमें चाहे सड़क हो, चाहे नालियां हो, चाहे बिजली का हो, या आवारा पशुओं की जो बात है वो हो, गंदे पानी की जो निकासी की बात हो, तो जो भी काम समय समय पे होंगे उनको करने के लिए हम लोग। आपकी बातों से लगता है अभी आपने मुख्य समस्याओं को चिन्हित कर रखा है और उसके लिए जो हर संभव प्रयास होंगे, बेहतर प्रयास होंगे, वो आपकी ओर से हो। और मेरे साथ हैं वार्ड नंबर 8 से उम्मीदवार अपेक्षाकृत युवा हैं और गत चुनाव में भी पार्षद रहे हैं और एक युवा चेहरे हैं और कांग्रेस ने काफ़ी युवा लोगों को एक प्राथमिकता दी है,
ताकि शहर का एक सक्रिय रूप से विकास कर सके। आपकी क्या योजनाएं हैं? पिछली बार जो आप एक तरीके से थोड़े नए थे और अब आप जम चुके हैं, आपके कदम जम चुके हैं, आपके क्या इरादे रहेंगे और क्या मनसाएं रहेंगी? देखिए, मैं नहीं जमाऊँ, ये संग्रिया की जनता है जो जम चुकी है, जिन्होंने ठान लिया है कि नए सोच के साथ संग्रिया को आगे बढ़ाना है। नहीं बिल्कुल, कोई व्यक्ति जमता है तो वो जनता के दम पे ही जमता है, परंतु उसके कार्य व्यवहार और उसकी कार्य पद्धति और उसके काम वो पब्लिक की सपोर्ट में आते हैं और वो दिखते हैं। और आप आत्मविश्वास से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, ये पब्लिक की अच्छी सोच है। जो जो मेरे को स्नेह मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, तो ये उनकी, एक अच्छा आदमी किसी के लिए अच्छा बोल सकता है और अच्छा सोच सकता है। बाकी कमियां निकालने वाले तो आपको पता है कहीं भी कमियां निकाल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा भी ये जो वार्ड है, हमने सुनने को मिलता है अभी पार्षद से हमें क्या काम है, तो ये एक भ्रम है। पार्षद बोर्ड का प्रतिनिधि है और बोर्ड संचालन करता है नगर पालिका को, एक अकेला व्यक्ति संचालन नहीं करता नगर पालिका। बिल्कुल बिल्कुल, पार्षद को अगर वो बुद्धिजीवी है, वो समझता है अपनी ड्यूटी जिम्मेवारी, अगर वो समझता है और बोर्ड में उसको सही रिप्रेजेंट करता है, तो उस बोर्ड के संचालन में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आप ये भ्रम सबसे पहले सबको निकालना चाहिए कि संग्रिया में जो आप लोग सुनते हैं, ये पार्षद से हमें क्या काम, पार्षद आपके संग्रिया के आने वाले 50 साल की प्लानिंग का एक हिस्सा बन सकता है और सबसे निकटतम कड़ी है लोगों को जोड़ने। आप देखिए, कोई भी अगर हम सोचे भी मैं अकेला जीत जाऊँ और कोई ना जीते तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप एक वार्ड में सड़क बनाएंगे वो सड़क किसी वार्ड से गुजर के आएगी, किसी वार्ड में अगर आप नाली बनाएंगे तो किसी दूसरे वार्ड से गुजर के आएगी या आगे गुजरेगी। तो ये कड़ी है, अच्छे लोगों को चुन के भेजें। हमारे पार्टी ने, हमने बहुत ही बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे अच्छे लोगों को हमने टिकटें दी हैं, जो समाज के प्रति अपनी बहुत ही अच्छी भावना रखते हैं और निष्ठा रखते हैं, काम करने की सोच रखते हैं। उन लोगों की अगर कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो ही संग्रिया का विकास होगा, और हमें विश्वास है कि वो कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और संग्रिया का विकास होगा और शबनम जी के नेतृत्व में होगा। तो ये सब आप जो लोग हैं, आप में भी कई उम्मीदवार हैं, सब एकजुटता के साथ एक काम करने के कटिबद्ध हैं। कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी समर्थित और पार्टी टिकट पे उम्मीदवार हैं, वो अपनी सच्ची निष्ठा से खुद का वार्ड जीत के लाएंगे और अपने भाई दूसरे का भी वार्ड जिता के लेके आएंगे। ठीक।